हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग सभी जानते हैं कि समर आ चुकी है और समर में स्किन केयर करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप स्किन केयर नहीं करते हो, अगर आप अवॉइड करते हो स्किन केयर करना समर में, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अपनी समर स्किन केयर रूटीन, जो मैं अभी समर में फॉलो कर रही हूँ, वही मैं स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल बटन भी जरूर हिट कर दीजिएगा, तभी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। मेरे पास सेंट बोटेनिका के विटामिन सी के रेंजेस, जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में यूज करके दिखाऊंगी। स्टेप वन, फेस वॉश करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फेस वॉश अवॉइड करते हैं तो आपकी स्किन में डर्ट्स होते हैं वो स्किन पे अपनी जगह बना लेते हैं, और जिसकी वजह से आपको पिंपल्स, एक्नी और डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। फेस वॉश के बाद आती है बारी टोनर की। अगर आप फेस वॉश के बाद टोनर नहीं करते हो तो आप गलती करते हो। आप स्किन केयर को अगर आप कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप आप एक एक स्टेप को फॉलो करो। फेस वॉश अगर स्किन पे टोनर यूज नहीं करते हो तो आपको स्किन पे पोर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखेंगी। हालांकि अगर आप यूज करते हो तो आपको पता होगा कि टोनर की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी स्किन के लिए। बारी आती है स्टेप थ्री की, जो कि हमारा मॉइस्चराइजर का, या आप सीरम भी यूज कर सकते हो। अगर आप मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में काफी ज्यादा स्वीटिंग की प्रॉब्लम लाती है ना, बहुत ज्यादा आपको गर्मी लगती है लगाने के बाद मॉइस्चराइजर, तो आप सीरम का भी यूज कर सकते हो या फिर आप लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं जो आप लोगों को मॉइस्चराइजर बता रही हूँ वो 100% बहुत अच्छा आपको वर्क करता है आपकी स्किन पे, प्लस ये लाइट वेट भी है तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही सही जाने वाला है। मॉइस्चराइजर भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइजर अवॉइड करते हो तो आपकी स्किन पे ना ड्राई पैचेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप मॉइस्चराइजर को अवॉइड मत किया करो। नॉर्मल डेज में हम CTM यानी क्लींजिंग टोनर और मॉइस्चराइजिंग के बाद हम नॉर्मल डेज में ऐसे ही चले जाते हैं। समर सीजन में सनस्क्रीन को स्किप मत करना। हालांकि हम लोगों को सनस्क्रीन किसी भी सीजन में स्किप नहीं करना होता है, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ, आप स्पेशली समर में आप बिल्कुल भी स्किप मत करो, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपकी स्किन पे टैनिंग की प्रॉब्लम आ जाएंगी, जो कि जाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। एक दिन में 2 से 3 बार सनस्क्रीन यूज करो। अगर आप बाहर जाते हो घर पे तो आप 2 से 3 बार यूज करो, तब घर पे हो तो आप एक ही बार यूज करो, बट आप डेली यूज करो सनस्क्रीन, स्किप मत करना। यहाँ तक हम लोगों को कम्प्लीट हो चुका है स्किन केयर रूटीन, बट आप लिप को स्किप कर रहे हो, कर रहे लिप के लिए आज है मेरे पास ब्लू हेवन का लिप बाम। ये काफी सारा अफोर्डेबल है, बहुत ही बजट फ्रेंडली भी, तो आप इसे जरूर ट्राई करना। मैं इसे अभी ट्राई कर रही हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ। इतना मेरा पर्सनल फेवरेट स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो मैं समर स्किन केयर में मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन भी जरूर हिट कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।